आजकल हम सब क्या सोचते हैं कि अगर हमें वेट कम करना है तो तभी हम एक्सरसाइज करते हैं। यानी एक्सरसाइज का मीनिंग क्या है? इंडिया में लोग क्यों सोचते हैं कि एक्सरसाइज करना है नहीं, कि जिनको वेट कम करना है उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। शायद इसी वजह से जब बढ़ती उम्र आती है तो आपको बीमारियां घेरने लगती है और आपकी फिगर खराब होने लगती है। यानी आप जरूरत से ज्यादा मोटा होने लगते हो, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में ठीक तरीके से नहीं होता। तो एक्सरसाइज का मीनिंग क्या है? एक्सरसाइज का मीनिंग ये है, अपने आप को एक्टिव रखना, अपने मेटाबॉलिज्म को हमेशा अच्छा रखना, फास्ट रखना। जब आप एक्सरसाइज करते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो, तो उससे आपकी बॉडी का जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, उससे आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम होता है, और आपकी बॉडी में जो अच्छे हार्मोन होने चाहिए वो बैलेंस रहते हैं, जिस वजह से आपको बीमारियां नहीं आती है और आप लंबे समय तक यंग रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और आपकी बॉडी एकदम फिट रहती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल सी एक्सरसाइज, जिसको करके आप अपना वेट भी घटा सकते हैं, बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल है सिटी में आपका स्वागत है। आज की एक्सरसाइज है उन सभी के लिए जो 50 प्लस हो चुके हैं या 50 से कम के लोग हैं, जिनको हैवी एक्सरसाइज नहीं आती है, लेकिन आज से ही ये जो मूवमेंट आपको करवाने वाली हूँ वो आज से ही करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो लोग पतले हैं वो लोग इसलिए एक्सरसाइज नहीं करते, हम तो पतले हैं हमें क्या मतलब है, ठीक है? लेकिन आप देखिए कि आपकी बॉडी हेल्दी है। बच्चे हैं वो ये सोचते हैं ये तो मम्मी पापा करने चाहिए, मम्मी पापा के पेट निकले हुए हैं, लेकिन नहीं। बच्चों को अगर अपने दिमाग को तेज करना है तो बच्चों को भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मेरे साथ शुरू हो जाइए, सभी लोग, सभी फैमिली के मेंबर्स, चाहे उनको वेट कम करना है, चाहे उनको बीमारियां घटानी है, चाहे उनको दिमाग को तेज रखना है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इस तरीके से हाथों को रखेंगे, हल्का सा अपने पैरों को थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे, खोल लेंगे, इस तरीके से हाथों को रखें और दाएं बाएं घूम जाना है फर्स्ट एक्सरसाइज में, इस तरीके से सांस छोड़ते हुए 30 सेकंड के लिए कंटिन्यू। जब हम डेली लाइफ में होते हैं तो हम आगे पीछे बस इस तरह ही करते हैं, हल्का सा आगे झुक लिए, कोई काम हुआ ये झुक के काम कर लिया, लेकिन आप दाएं बाएं घूमते हो, नहीं घूमते हो, जो कि आपको बीमारियां ला सकता है, आपकी बॉडी को स्टिफ बनाता है। तो इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी बूढ़ों के लिए, तो आप जरूर करें, और स्पेशली उनके लिए जिनको अपना बेली घटाना है, अपनी वेस्ट लाइन को कम करना है। तो 30 सेकंड कंटिन्यू करने के बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपने हाथों को इस तरीके से आपने रखना है, हाथों से सर्कल बनाना है। देखिए, हाथों से सर्कल बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सर्कल ही नहीं बनाना है, अपनी लेग को आगे पीछे भी करना है, इस तरीके से थोड़ा सा ओपन रखिए अपनी लेग्स को। अब सर्कल बनाते हुए एक लेग पीछे इस तरीके से, और कंटिन्यू सर्कल बनाते रहेंगे अपनी आर्म से, ठीक है, ऐसे। ये भी 30 सेकंड के लिए कंटिन्यू करना है इस तरीके से। वाओ, और सांस छोड़ते रहे और नाक से सांस लेते रहेंगे, मुंह से छोड़ते रहेंगे। बढ़ते अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। थर्ड एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, थोड़ा सा और अपने पैरों को खोल लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाथों को ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और ऐसे करते हुए आप एक पैर को टच करेंगे अपने अपोजिट हैंड से, ठीक है, इस तरीके से।
जिनसे पैर टच नहीं होगा वो अपने लेग को इस तरीके से टच करके वापस आ सकते हैं, ऐसे इस तरीके से। ऐसे ठीक है, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये एक्सरसाइज भी आपको 30 सेकंड करनी थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, इस तरीके से हाथों को रखिए। अब आपको आगे झुक जाना है, ऐसे जितना आप झुक सकते हैं, कुछ लोग इतना झुक पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकना, आगे झुकेंगे और वापस एडी को उठाते हुए और हाथों को सीधा कर देंगे। एडी भी उठानी है आपने इस तरीके से। फिर से हाथों को ऐसे लाएंगे, कमर को सीधा रखेंगे। जब आप झुकेंगे इस तरीके से, इतना ही झुके कि आपकी कमर सीधी रहे। ये एक्सरसाइज भी 30 सेकंड के लिए कंटिन्यू। देखिए इसमें हमने सारी चीजें ऐड कर दी, जिनको कमर में दर्द रहता है तो कमर की स्टिफनेस दूर होगी, और जैसे बच्चे होते हैं वो बैठ के अपनी पढ़ाई करते रहते हैं ना, और ध्यान नहीं देते, उससे उनकी लंबाई कम हो जाती है, तो इससे ये स्ट्रेचिंग करेंगे उनको लंबाई बढ़ाने में भी हेल्प मिलेगी इस तरीके से। आजकल बच्चे भी करते हैं, कभी बोलते हैं कंधे में दर्द है मम्मी, कमर में दर्द है, क्या करें क्या करें, तो उनको ये वाली एक्सरसाइज जरूर कराएं। और बच्चों का भी जरूरत से ज्यादा वेट बढ़ रहा है क्योंकि वो कंटिन्यू बैठे रहते हैं, इसलिए तो आप अपने साथ बच्चों को भी एक्सरसाइज जरूर कराएं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपने हाथों को ऐसे रखना है इस तरीके से। सबसे पहले हाथों को ऐसे रखिए, कुछ लोगों का ऐसे हो पाएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके से हम रखेंगे। देखिए अगर आप इस तरीके से बच्चों को भी कराते हैं, अपने आप भी करते हैं, तो आपका ये वाला पोस्चर सही होने लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 30-40 की उम्र में सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है अभी से। मैंने देखा कई लेडीज को, जेंट्स को भी सर्वाइकल की समस्या है, तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये समस्या आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी। बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अब इस तरीके से करने के बाद हल्का सा पैरों को खोल लीजिए। अब हाथों को नीचे लाते हुए ऐसे एक नी को बैंड करके ऊपर लाएंगे, हाथों को भी नीचे लाएंगे ऐसे इस तरीके से। करिए करिए 30 सेकंड के लिए कंटिन्यू। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, स्पेशल पेट के लिए भी, और जिनको सर्वाइकल की समस्या है, पोस्चर ठीक नहीं है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। चलिए बढ़ते अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हाथों को ऊपर उठाएंगे और लेग को पीछे करेंगे इस तरीके से। चलिए कंटिन्यू करिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमसे एक्सरसाइज नहीं होती, वो ये सिंपल सी एक्सरसाइज करके देखे, बॉडी में बहुत उनको हल्का फील होगा और ऐसा लगेगा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है आज, तो वो रोज करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से हल्की हल्की एक्सरसाइज करके देखा करो, ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, मन बहुत अच्छा होता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होने लगता है, और जिनको स्पेशल फैट घटाना है तो उनको तो करना ही करना है। अब करते हैं बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हल्का फुल्का सा स्ट्रेच। आपको क्या करना है, इस तरीके से हल्का फुल्का सा बॉडी को मूव कर ले। फिर आपको क्या करना है नेक्स्ट, इस तरीके से अपने हिप के ऊपर एक हैंड रखेंगे और एक को इस तरीके से साइड में ले जाएंगे ऐसे, 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लेंगे ऐसे। ऐसे ये भी आप 30 सेकंड के लिए कर लें। हल्का हल्का सा आगे की तरफ जाने की कोशिश करें, इस तरीके से वापस आ जाए बहुत धीरे से, जितने भी आप जा सकते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है,
और इसके बाद आप आराम से अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, चाहे आपको फैट घटाना है या बुजुर्ग लोग हैं जिनमें स्टिफनेस बनी रहती है तो उनको ऐसी कोई समस्या नहीं होगी कि घुटनों का दर्द बढ़ जाए, बल्कि और घुटनों का दर्द कम हो जाएगा। इसके साथ में ही बच्चे भी कहते रहते हैं कि मम्मी फैट बढ़ गया है, यहाँ पे दर्द है, वहाँ पे दर्द है, या बच्चों को फीवर जल्दी जल्दी आ रहा है, कोल्ड हो जाता है, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी बीमारियों को दूर करने में, साथ ही दिमाग को तेज करने में, लंबाई बढ़ाने में। तो आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।